हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टू वे स्लैब क्या होती है और वन वे स्लैब क्या होती है। दोस्तों, इससे इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम देखेंगे कि टू वे और वन वे स्लैब क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे क्रैंक टूटे हुए हैं। अगर ये क्रैंक चारों तरफ टूटे हुए हैं हमारे रूम के या स्पैन के, तो आप कहेंगे कि ये हमारी टू वे स्लैब है। अगर आपके जो क्रैंक हैं दो साइड टूटे हैं और उसके परपेंडिकुलर साइड में नहीं टूटे हैं दोनों साइड में, तो आप उसको कहेंगे वन वे स्लैब है। इसका एक और तरीका होता है डिफाइन करने का, उसको हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। एस्पेक्ट रेशियो हमारा जो होता है लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो होता है। अगर आपका लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो ग्रेटर देन 2 होगा, तो हम उसे वन वे स्लैब कहेंगे। और अगर एस्पेक्ट रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो वो हम कहेंगे टू वे स्लैब है। ठीक है दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि वन वे स्लैब क्या होती है, तो दोस्तों इसे हम लोग वन वे स्लैब या टू वे स्लैब कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जो हमारी वन वे स्लैब होती है और टू वे स्लैब होती है, उसको हम सपोर्ट कंडीशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर दो साइड में आपको सपोर्ट मिल रहा है सामने सामने, तो उसे हम कहेंगे वन वे स्लैब। और अगर हमारी चारों डायरेक्शंस में सपोर्ट मिल रहा है स्लैब को, तो हम उसे कहेंगे टू वे स्लैब। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को देखना होता है कि साइड पे वन वे स्लैब दी गई है या टू वे स्लैब दी गई है, तो उस हिसाब से आपको स्टील बनवाना होता है। जो स्टील बनवाना है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के लिए, वो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्रैंक बार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा क्रैंक बार प्रोवाइड करना है, और ये क्रैंक बार की जो लेंथ होगी सपोर्ट से एल बाई फोर डिस्टेंस होगी। एल हमारी स्पैन है, जो हमारे ये आपको दिख रही है, ये स्पैन है। तो जो आपकी मेन बार आएगी, उसमें हमारी जो है ये क्रैंक टूटते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारे क्रैंक टूटेंगे, ये अल्टरनेट टूटेंगे। इस वाले में जैसे टूटा, ठीक है, इसमें नहीं टूटेगा, फिर उसमें टूटेगा, इसमें नहीं टूटेगा, और ये हमें अल्टरनेट देने होते हैं। ठीक है, क्रैंक, और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें यहाँ क्रैंक टूटा है, तो इसमें यहाँ पे नहीं टूटा है, पर इसमें इस डायरेक्शन में टूटा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रोवाइड करना, और जब आपका यहाँ प्रोवाइड करेंगे इसमें अल्टरनेट वाइज, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होता है, इसे हमें टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं, जो हमें स्लैब में देने होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से वाइंडिंग वायर से बंधे हों आपके क्रैंक्स, ताकि आपको जब छत हमारी कास्ट हो रही होगी, तो उसमें ये उठेंगे नहीं उस डायरेक्शन से। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से बंधे नहीं होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही लोड आएगा तो उधर से उठ जाएगा, तो इससे चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।